हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी समर टाइम। ये कहानी कैसी लड़की की जिसकी मौत के बाद कुछ लड़के करते हैं उसे और वो फिर से जिंदा हो जाती है। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मूवी की शुरुआत होती है एना नाम की एक लड़की की डेड बॉडी से, जहां एना मर चुकी है और उसे पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। एना एक बहुत ही ब्यूटीफुल मॉडल होती है जो कि काफी फेमस भी थी। कल एना का पोस्टमार्टम होना था, पर इसी बीच पाव नाम का एक बोर्ड बॉय वहां आ जाता और वो एना की न्यूड पिक्चर ले लेता है और वो अपने दोस्त इवान को भेज देता है। इवान को ये पिक्चर इतनी अच्छी लगती है कि वो अपने दोस्त जावे के साथ जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाता है, क्योंकि एना बहुत ही ब्यूटीफुल मॉडल होती है और वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी होती है, जिसके काफी ज्यादा फैंस भी होते हैं। अभी ये तीनों वहाँ पहुंचकर एना के साथ कुछ गलत करने का सोचते हैं। जब एना एक फेमस मॉडल थी, जिंदा थी, तभी ये उस तक नहीं पहुंच सकते थे, पर अभी ये इनके सामने होती है, इसलिए इसके साथ कुछ गलत करने का ये सोचते हैं। अब इवान एना के साथ कुछ गलत करने का सोचता और पाव को कहता है कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, और पाव भी इस बात से मान जाता है क्योंकि पाव ने भी 17 साल की लड़की किया था। इसी बीच इवान एना की बॉडी के साथ गलत करने लग जाता है। जब इवान का काम खत्म हो जाता तो पाव भी इस मौके को गवाना नहीं चाहता था एना का करता है, पर इसी बीच एना जिंदा हो जाती है और पाव को ये सब कुछ करता देख लेती है। ये देखकर ये तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि एना तो बहुत पहले मर चुकी थी, अभी ये कैसे जिंदा हो गई। एना जिंदा तो हो गई थी, पर इसकी बॉडी अभी भी काम नहीं कर रही थी, मतलब इसकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। अब पाव और इवान सोचते कि अगर एना यहां से जिंदा बाहर गई तो हमको जेल हो जाएगी और शायद हमें फांसी भी हो जाए, इसलिए इवान एना को मारने का प्लान बनाता है कि अगर एना को हम यहीं मार देंगे तो ये बात बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि एना तो पहले ही मर चुकी है लोगों की नजरों में। लेकिन जावे ये सब कुछ करने से मना कर देता और डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है, पर ये दोनों जावे की बात नहीं मानते और उसे कहते हैं कि जावे ने कुछ भी गलत नहीं किया है, हमें तो हो जाएगी जेल, हमें तो हो जाएगी फांसी, तुम तो बच जाओगे, इसलिए वो जावे की बात नहीं मानते हैं और एना को खुद ही बाहर ले जाने लगते हैं। पर तभी दूसरा वार्ड बॉय वहाँ आ जाता है और उस रूम को लॉक करके वहाँ से चला जाता है अनजाने में। जावे ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता और चिल्लाने लगता है, परिवार उसे चुप करवाने की कोशिश करता और समझाता है कि तुम चिल्लाओ। और इसी बीच इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में जावे अधमरा हो जाता है। इवान को बाद में अपनी गलती पे बहुत पछतावा होता है कि उसने जावे को बहुत ज्यादा ही मार दिया। इसके बाद ये दोनों जावे की ट्रीटमेंट के लिए एक प्लान बनाते हैं और एना और जावे को बाथरूम में बंद कर देते हैं। इवान बाथरूम में ही रहता है ताकि एना शोर ना मचा सके और किसी दूसरे को ना बुला सके। इसी बीच पाव दूसरे वार्ड बॉय के पास जाकर रूम को खुलवा देता है। इवान जब जावे को देखता है तो वो मर चुका होता है। जावे की मौत से ये दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते और रोने लगते हैं कि हमने क्या कर दिया, के साथ साथ हमने अपने दोस्त को भी मार दिया। ये दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पाव काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि इन्होंने एक मर्डर किया था। इसी बीच एना कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मैं किसी से भी कुछ नहीं कहूंगी। परिवान को इस बात पे यकीन नहीं होता है और वो पाव के साथ बाहर जाके एक प्लान बनाता है कि हमें जेल ना हो जाए, इसलिए हम जावे की बॉडी को कहीं दूर फेंक देंगे और वापिस आकर एना को भी मार देंगे। जब ये बाहर प्लान बना रहे होते हैं तब एना अंदर बेड से उठने की कोशिश करती है और जावे का फोन निकाल कर किसी को कॉल करने लगती है। तभी इवान अंदर आ जाता है और उससे फोन छीन लेता है और उससे पूछने लगता है कि तुमने किसको कॉल किया था। तो एना कहते है कि मैंने अपने डैड को कॉल किया था और उन्हें सब कुछ पता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, इसलिए तुम मुझे यहाँ से जाने दो और मैं किसी को भी कुछ नहीं कहूंगी। जब ये दोनों एना की बात सुनते हैं तो इनके पास और कोई रास्ता नहीं होता है और फिर ये दोनों एना को लेकर बाहर ले जाने लगते हैं। पर तभी जावेस के फोन में कॉल आ जाती है और ये वही इंसान होता है जिसे एना ने थोड़ी देर पहले कॉल किया था, पर उसने कॉल पिकअप ही नहीं की थी। इस बात का पता जब इवान और पाव को लगता है तो वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे फिर से उसी रूम में ले जाते हैं जहाँ पहले उसे रखा गया था और उसे अंदर बांध देते हैं। इवान पाव से कहता है कि तू मैना पे नजर रखना और मैं बाहर डस्टबिन लेने जा रहा हूँ ताकि वो जावे के बॉडी को डस्टबिन में डालकर कहीं दूर फेंक आए। इवान के जाने के बाद पाव वहाँ पड़े ब्लड को साफ करने लगता है, पर इसी बीच एना अपने बेड से उठ जाती है और भागने की कोशिश करने लगती है। पर तभी इवान वहाँ आ जाता और वो एना को देख लेता है और वो उसे घसीटते हुए अंदर ले आता है और एना की सांसें रोककर उसे मारने की कोशिश करता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर जावे की बॉडी को डस्टबिन में डाल देते हैं और इवान उसे फेंकने के लिए बाहर चला जाता है। पाव भी इस रूम को अच्छे से साफ कर वहाँ से निकलने ही वाला होता है, पर तभी उसे एना की खांसने की आवाज सुनाई देती है और उसे पता चल जाता है कि एना अभी तक नहीं मरी है। तब पाव एना से कहता है कि तुम मरने की एक्टिंग करना और मैं इवान को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, इसके बाद तुम भी यहाँ से निकल जाना जैसे तैसे। लेकिन इवान अपना एक कार्ड उसी रूम में भूल आया था जहाँ पर एना थी, इसलिए इवान अपना कार्ड लेने के लिए
लिए अंदर जाता, और जैसे वो अंदर जाकर देखता है कि एना अभी भी जिंदा और वो अपने पैरों पे खड़ी है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता और पाँव पे गुस्सा करने लग जाता कि अभी तक ये जिंदा क्यों है, तुम्हें तो अभी तक इसे ठिकाने लगा देना चाहिए था। पाओ एना को छोड़ने के लिए इवान से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, तो इवान भी मान जाता है उसे छोड़ने के लिए। पर तभी एना पीछे से आकर इवान पर अटैक कर देती है और वो वहीं पर मर जाता है। पाओ ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो एना से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो तो तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार था। पाओ ये सब कुछ बातें एना से कह ही रहा होता है, पर तभी एना उस पर भी अटैक कर देती है और उसे भी मार डालती है, और इस तरह एना का बदला पूरा हो जाता है और उसी के साथ इस मूवी का एंड भी हो जाता है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को बोले सब्सक्राइब, और एंजॉय करो यार अपनी लाइफ में और इस वीडियो को देखकर। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।